बोलो जी, ये ड्राइवर साहब महोदय हैं, इधर दिखाइए, ये स्टेयरिंग का हाल है, अगर फेल हो जाए तो इतने बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा। दोस्तों, वाराणसी जिले से एक निजी स्कूल की खटारा बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग बस की हालत देखकर हैरान हो गए। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बस में ना तो सामने कांच है, ना ही स्टीयरिंग सही है और ना ही बैकलाइट और फ्रंट लाइट। यहां तक कि बस के अंदर की हालत भी ऐसी है जैसे कोई खटारा बस स्कूल के मासूम बच्चों को ले जा रही है। ये देखिए, ये त्रिपदा पब्लिक स्कूल की बस है, टीपीएस की। इसमें देखिए फ्रंट कांच नहीं है, इधर देखिए हेडलाइट देखिए, और ये गाड़ी का नंबर प्लेट देखिए कि अगर कुछ घटना दुर्घटना हो तो आदमी ये भी न समझ पाएगी किस नंबर से रजिस्टर्ड गाड़ी है। आप आइए इधर देखिए, त्रिपदा पब्लिक स्कूल का थेवली की बस है। ये गाड़ी का बोलो जी, ये ड्राइवर साहब महोदय हैं, इधर दिखाइए, ये स्टीयरिंग का हाल है, अगर फेल हो जाए तो इतने बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा। इधर देखिए, इतने सारे बच्चे जाते हैं, बेचारे मासूम बच्चे हैं। इधर देखिए, दिखाते रहिए गाड़ी के अंदर की कंडीशन भी दिखा दीजिए। इधर देखिए, बैकलाइट भी नहीं है। देखिए, ये गाड़ी की स्थिति है, इसका रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सब फेल है। इधर आइए, बैक साइड आइए, टर्निंग लाइट भी नहीं है गाड़ी में। गाड़ी के अंदर की स्थिति देख लीजिए, ये बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, ये सीट है। बता दें, मामला वाराणसी जिले के पिंडरा तहसील का है, जहां बस का अगला शीशा ना होने के चलते किसी व्यक्ति ने बस को रास्ते में ही रोक लिया और फिर वीडियो बनाकर शेयर कर दिया। चढ़ने के लिए जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जिले के आला अधिकारियों ने मामला संज्ञान में लेते हुए शिक्षा विभाग और आरटीओ के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद तुरंत बस को सीज कर दिया गया।